दादरी का मिहिर भोज डिग्री कॉलेज इन दिनों विवादों में है और विवादों का नाता और क्या इस पूरे प्रकरण में हुआ है, लगातार इसके अपडेट और इंटरव्यूज हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आज आपको गुर्जर विद्या सभा के जो अध्यक्ष हैं राधाचरण भाटी जी, उनसे मिलवाएंगे और ये पूरा प्रकरण कैसे शुरू होता है, क्या इसकी कहानी है और ये ऐसा क्यों हुआ कि इतना बड़ा विवाद का विषय बन गया। खुद राधाचरण भाटी जी अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। राधाचरण जी, पहले तो बहुत स्वागत करता हूँ बीटी न्यूज़ पर। नमस्कार। क्या हुआ, कैसे इसकी शुरुआत हुई, मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लेने के लिए विधायक जी से बात की, सांसद जी से बात की, कैसे मुख्यमंत्री तक पहुंचे आप लोग? गुर्जर विद्या सभा की मासिक बैठक होती है, उसमें ये तय हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण कराया जाए, तो सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ और उसमें ये भी तय हुआ कि माननीय विधायक श्री तेजपाल नागर जी समय निर्धारित करेंगे मुख्यमंत्री जी से और उनके साथ अध्यक्ष और दो चार लोगों को लेकर के जाएंगे। 14 तारीख में, 14 अगस्त को हमारी ये मीटिंग हुई, 15 अगस्त को ही माननीय तेजपाल नागर जी ने समय निर्धारित कर दिया 16 अगस्त की प्रातः 11 बजे का जी। हम 11 बजे के रात को ही चल के वहाँ पहुँच गए और 11 बजे के करीब माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों की भेंट हुई। हमने उनसे जा कर के अपना विषय रखा तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत में हमें ऐसा लगा कि जैसे हम किसी बड़े व्यक्ति से बात ना करके अपने परिवार में, अपने घर में बैठ करके अपने बड़े भाई से बात कर रहे हों। बहुत कुछ ही क्षणों में मुख्यमंत्री जी से इतना घुल मिल गए, हम सब लोग खुल खुल के बातें करने लगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ये महसूस किया कि गुर्जर समाज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा है, उसका कारण है कि ये जो भी यहाँ पर आक्रमण हुए विदेशियों के, उसमें डटकर इन्होंने मुकाबला किया और उस स्थिति में इनको पहाड़ों में, जंगलों में, नदियों में शरण लेनी पड़ी, इस वजह से शिक्षा में बहुत पिछड़ गए। तो उन्होंने जब हमको ये हमने बताया कि हम 6 कॉलेज हैं इस परिसर में, उस पेरेंटल बॉडी के मैं अध्यक्ष हूं, तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा कि आप विश्वविद्यालय की मांग क्यों नहीं करते। हमको बहुत अच्छा लगा और हमने कही ठीक है मान्यवर जी, हम चाहते हैं कि विश्वविद्यालय ही बने, तो ये भी हम जो है आपके द्वारा ये सुझाव रखा तो हम इसका बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और हम तो केवल आपको निमंत्रण देने आए थे प्रतिमा का अनावरण का, पर यहाँ तो जो हमें दोनों हाथों में लड्डू लेके जा रहे हैं जी। तो इस तरह से उन्होंने दो चार दिन बाद ही वहाँ से डेट आ गई 22 सितंबर की और हम कार्यक्रम की तैयारी में लग गए। तो इसके बाद जैसे कहा गया कि ये सभा जो आपने कहा कि कार्यक्रम में लग गए, तो कार्यक्रम तो गुर्जर सभा के नेतृत्व में होना था लेकिन बताया गया कि ये बाद में बीजेपी का कार्यक्रम बना दिया गया, इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे की कहानी है कि माननीय यहाँ के जो सांसद हैं सुरेंद्र नागर जी राज्यसभा में, उनको ये सब कार्यक्रम तेजपाल लिवाकर के लाए हैं विधायक, ये शायद पसंद नहीं आ रहा था और वो बार बार इसमें पहले भी कई बार मुझसे कह चुके थे और ये भी प्रयास किया था कि ये कार्यक्रम ना हो, लेकिन ये कार्यक्रम भव्यता की ओर चला और जगह जगह से सूचना आई, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल और राजस्थान और उत्तराखंड सबसे लोगों ने आने की सूचनाएं अपनी भिजवाई और हमने भी माननीय विधायक हैं वो जो मेरे दामाद भी लगते हैं कुंवर प्रणव जी उत्तराखंड से और ये दसाले से हैं वीरेंद्र सिंह जी, जो बहुत बड़ा सम्मानित परिवार है शिक्षा के क्षेत्र में भी, राजनीति के क्षेत्र में भी, उनसे भी राजेश नागर जी हैं तिगांव से, विधायक कृष्णपाल गुर्जर हैं, इन सब से हमने कॉन्टेक्ट किया, सबको निमंत्रण दिया, सभी दलों के मलूक नागर जी सांसद हैं उनको भी निमंत्रण दिया, हमने नरेंद्र भाटी जी हैं MLC हैं उनको भी, क्योंकि वो पार्टी का ना हो गए समाज का प्रोग्राम था, तो इन सब लोगों ने हमसे हामी भरी कि भाई अगर गुर्जर विद्या सभा आयोजक है तो हम सब लोग आएंगे। बिल्कुल। लेकिन माननीय सुरेंद्र नागर जी ने ये जो क्षेत्रीय कमेटी है भारतीय जनता पार्टी की, उससे पता ना क्या कुछ किया और ये घोषित कर दिया गया 2 दिन पहले कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम रहेगा
मंच पर बैनर भारतीय जनता पार्टी का लगेगा और अध्यक्षता भी भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति करेगा, राधाचरण भाटी। मैं उसकी अध्यक्षता आपको करनी मुझे को करनी थी, सुरेंद्र नागर चाहते थे कि अध्यक्षता मैं करूं और ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम बना दिया गया है गुर्जर सभा का हटा करके अंतिम क्षणों में 21 की रात को मुझको गुर्जर विद्या सभा के थे कुछ और कुछ उनके अपने यहाँ सब कुछ मिले जुला ही रहता, पूरा समाज एक ही तो है, तो लोगों ने बिल्कुल बाध्य कर दिया कि मैं ये सुरेंद्र नागर के पास प्रस्ताव लेके जाऊँ कि आप अध्यक्षता करो, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं समाज के साथ कोई गद्दारी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं समाज के उन लोगों से भी मिलकर आया हूँ, उन्हें भी निमंत्रण दे कर आया हूँ जो इस भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, इसलिए अगर मैं ये हाँ करता हूँ तो फिर मैं उनके सामने कभी भी कोई बात लेके जाऊँगा तो वो कहेंगे भाई आप आते तो समाज की बात करने और वहाँ पार्टी का कार्यक्रम करवा देते हो, तो इस वजह से मैंने अपनी सहमति नहीं दी और मैं नाराज़ होकर के अपने घर चला आया। आप उस प्रोग्राम में भी नहीं गए? प्रोग्राम में मैं सुबह गया, इस वजह से मैं गया, माननीय विधायक जी ने कही कि अगर आप प्रोग्राम में नहीं आए तो जैसी संभावना थी कि मुख्यमंत्री जी ने विश्वविद्यालय की बात की थी, अगर आप प्रोग्राम में नहीं आए और ये घोषणा नहीं हुई तो ये सब कुछ आपके माथे कलंक लगेगा कि भाई वो नहीं आए थे इसलिए ये सारी चीज़ें हुई, तो मैं मन मार करके मैं कार्यक्रम में पहुंचा और जब मैंने देखा कुंवर प्रणब पिछली पंक्ति में बैठे हैं, वीरेंद्र सिंह पिछली पंक्ति में बैठे हैं, मृगंका सिंह जो हमारे जो बहुत बड़े नेता थे हुकम सिंह जी उनकी बेटी वो पिछली पंक्ति में बैठी हैं, और एक हमारे एक तरह से जो कुल पुरोहित हैं आशीष वत्स उसको पुलिस मंच से इतनी बेइज्जती के साथ उतार रही है, वो भारतीय जनता पार्टी का ही वो पदाधिकारी क्षेत्रीय स्तर का उतार रही है, ये सब देख करके मन को बहुत कष्ट हुआ। हालांकि वहाँ तो जिन लोगों ने ये प्रोग्राम बीजेपी का बनाया वो फ्रंट पे थे, वो फ्रंट पे, जिनको आगे होना चाहिए था वो पीछे बैठे थे। अब ये कहानी बताइए कि कहाँ से ये शुरुआत होती है कि गुर्जर शब्द पर कालिक पोत दी जाती है, ये किसने किया? इसको लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है। इसका हमको उस समय पता लगता है कि जब कार्यक्रम ख़त्म हो जाता है और कुंवर प्रणव जी उस तस्वीर पर कुछ चढ़ना चाहते हैं तो उनको एक CO रैंक का व्यक्ति वहीं रोक देता है, और हमने कि भाई क्यों जाने दो, जो कि नहीं नहीं अब अभी ये बंद है अभी कोई नहीं जाएगा, तो वहाँ फिर चर्चा होती है नीचे कि इसलिए नहीं जाने दे रहे कि यहाँ जो है शायद उस शब्द के साथ छेड़छाड़ की है गुर्जर शब्द के साथ, और वो वायरल होने लगे स्टिकर भी गुर्जर शब्द पे वो लगाना वो छुटाना इस तरह के वीडियो वायरल होने लगे, तब हमको जो इस बारे में जानकारी हुई और उसके बाद उस पर पूरी तरह से पुलिस का पहरा था और आज वो पहरा हटा हुआ है, हमने जाके देखा तो वहाँ गुर्जर शब्द जिस तरह का पत्थर मैंने लाके यहाँ लगवाया था शाम को और मैं पुलिस को हैंड ओवर करके आया था 21 की रात को, वैसा का वैसा ही पत्थर हमें देखने को मिला। अब इसके पत्थर आपने लगवाया था उस पे गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज लिखा हुआ था। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन रात में उस पे कालिक पोत दी गई, सुबह फिर स्टिकर लगा दिया गया, फिर उस स्टिकर को हटा दिया गया, ये सब कुछ मुख्यमंत्री जी के आने से पहले हुआ? ये जो कुछ भी हुआ है हमको इसकी जानकारी केवल इस वीडियो से हुई है जिसमें वो स्टिकर लगा रहा, इससे अधिक हमें कोई जानकारी थी नहीं इसके बारे में। नहीं, आपको ये तो पता होगा समाज के जिम्मेदार आप हैं, अध्यक्ष हैं, कि ये किसने किया होगा? क्या ये बीजेपी के लोगों ने किया या कुछ शरारती तत्वों ने किया? क्योंकि एक मुख्यमंत्री आ रहे हैं, इतना वहाँ हैवी सुरक्षा थी, बड़े बड़े अधिकारी वहाँ थे, तो मूर्ति तक पहुँचा कौन का? देखो मैंने ये बात पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं जब शाम को 21 की शाम को पुलिस को हैंड ओवर करके वहाँ से आया हूँ तो वो पत्थर अपने सामने लगवा करके, अगर वहाँ पुलिस की मौजूदगी में कुछ हुआ है तो ये तो मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी वहाँ आ रहे हैं और वहाँ पर कोई कुछ भी कर सकता है, कुछ भी रख सकता है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो प्रशासन इसका जवाब दे। मैंने तो नहीं कोई वहाँ पे करता हुआ देखा, नहीं आता देखा ना जाता देखा, मैं तो 8 बजे अपने घर चला आया, तो ये इसका जवाब तो प्रशासन से है, पुलिस प्रशासन से आपको लेना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि गुर्जर समाज के अंदर इस बात को लेकर बहुत नाराज़गी है कि देखिए गुर्जर शब्द हटा दिया गया और ये मुख्यमंत्री जी के कहने पर हुआ, बीजेपी के बड़े नेताओं के कहने पर हुआ। क्या आपको लगता है कि एक मुख्यमंत्री जिस कार्यक्रम में आ रहे हैं और उनको जिस तरीके से जाति के हिसाब से प्रेषित किया जा रहा है,
ये जातिवाद से जुड़ा हुआ है या मुख्यमंत्री जी ने ऐसा किया होगा, आप ऐसा मानते हैं? मुझे नहीं लगता कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा कर सकते हैं या करवा सकते हैं, क्योंकि मुझे उनकी जब बातचीत मुझसे हुई थी तो वो गुजरों के प्रति इतने मतलब जानकारी रखते थे और इतना प्यार रखते थे कि उन्होंने स्वयं मुझसे ये चर्चा की थी कि जो आपके दिसालय के जो जज साहब हैं वो मंच पर रहने चाहिए, आप गुजरों की ऐसी ऐसी फिगर मंच पर हों जिससे सामने बैठे हुए समाज के नौजवान उनसे प्रेरणा लें, गुजर समाज में ऐसे भी लोग हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ये इसके पीछे क्या है, मैं इसकी जांच की मांग करता हूँ कि ये पूर्णतः जांच होनी चाहिए। अभी दादरी में एक बहुत बड़ी पंचायत हुई थी यहाँ मंदिर में, तो क्या लगता है कि ये पंचायत जो हुई ठीक हुई है, आप इसका समर्थन करते हैं इस पंचायत? देखिए, जब जनता किसी चीज़ पे हमारे सम्मान को स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है तो उस पे जब लोग निकल के आते हैं तो वो बिल्कुल अपने हिसाब से ठीक आते हैं। मैं उस पंचायत का जो चिठड़ाम हुई थी समर्थन करता हूँ और मैं भी उसमें आ रहा था, लेकिन मुझको आरवी नॉर्थलैंड से ही पुलिस ने गिरफ्तार करके और पुलिस लाइन भेज दिया था। उस पंचायत में बहुत महत्वपूर्ण तौर पर सांसद को और विधायक को जिम्मेदार ठहराया गया, ये कहा गया कि समाज के जयचंद हैं, इनको सबक सिखाया जाएगा। आप मानते हैं कि दोनों ही लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि कल रात में एक बहुत बड़ी घटना होती है और उसमें रात को गुजर शब्द दोबारा फिर लगा दिया जाता है, सांसद जी का सुबह फोटो देखने को मिलता है, सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाती हैं, तो बिगाड़ने वाले भी कौन और सुधारने वाले भी कौन? क्या ये दो जो चेहरों इर्द गिर्द घूम रही है, विधायक और सांसद के इर्द गिर्द राजनीति, क्या ये दोनों दोषी हैं आप मानते हैं? चूँकि विधायक चाहता था कि इस कार्यक्रम को गुजर विधानसभा करें और वो हमारी अध्यक्षता चाहते थे, लेकिन वो भी उनके सामने बौने पड़ गए, जो माननीय सांसद जी के लोग थे उनके सामने वो भी बौने पड़ गए और वो भी पीछे को हट गए। अब इसमें जिस समय ये कुछ किया गया था उल्टा सीधा, वो तो फोटो कोई नहीं आता, केवल वो स्टिकर वाला था, लेकिन आज जो सही करने में वो आ रहे हैं वो तो माननीय सांसद जी साहब दिखाई दे रहे हैं, उनके और मित्र हमारे एक गुजर विधानसभा के सचिव भी दिखाई दे रहे हैं और भी तीन चार लोग दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें विधायक कहीं दिखाई नहीं दे रहा और ना ही विधायक दादरी में है, वो लखनऊ में। लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं, विधायक जी ने उसको हटवाया गुजर शब्द को और उनको ये कहा गया कि आपको मंत्री बना रहे हैं, इस तरीके के प्रलोभन। ये तो कह रहे, लोग अपने अपने तरीके से सारी बातें करते हैं, पर मेरे सामने कहीं कोई ऐसा बिंदु नहीं आया जहाँ मुझे ये लगे कि भाई ये विधायक ने की संलिप्तता है, मेरे सामने अगर पर्दे के पीछे कुछ हो तो मैं कह नहीं सकता। सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं का ये आरोप है कि विपक्ष के लोग जानबूझकर इस पूरे मामले पर सियासत कर रहे हैं, जबकि वो गुजर सम्राट थे, हैं और रहेंगे। अब देखिए, ये विपक्ष भी राजनीति करता है, पक्ष भी राजनीति करता है, जब पक्ष कोई गलती करता है तो विपक्ष हावी होता है, तो ये तो राजनीति अपनी अपनी सब करते हैं, लेकिन हमने क्योंकि जो यहाँ हमारे राजपूत समाज के लोग मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, दो जिलों के अध्यक्ष बैठे थे, इनके जो प्रवेश क्या कहते हैं प्रवक्ता थे प्रदेश के, वो मेरे साथ बैठे थे, उन्होंने कहा था हमें साफ तौर पे हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, गुजर शब्द लिखा रहे, और वो सभा में भी आए थे उसमें, लेकिन वो तो विधानसभा के हाथ से सभा चली गई नहीं, हम उनको सम्मान कर करके ये भी दिखाते थे कि राजपूत समाज के लोग हैं, यहाँ पर राजपूत और गुजरों में कभी कोई विवाद नहीं हुआ, हम बिल्कुल एक दूसरे से ऐसे घुल मिल के रहते हैं जैसे एक ही जाति के लोग हों, तो यहाँ कोई विवाद ही नहीं था किसी किस्म का भी। देख, अंतिम सवाल ये है कि अब उस तस्वीर के नीचे लगे शिलापट को ठीक कर दिया गया है, अभी पुलिस प्रशासन वहाँ पर मौजूद भी था और उस पर किसी ने शाही पोतने का काम किया, उसको साफ करके ठीक कर दिया गया है, तो क्या भी विवाद खत्म हो जाना चाहिए? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि नहीं, बड़ी पंचायत होगी, 2 अक्टूबर को ये होगा, आगे चल के ये होगा, तो आप मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अब जो ठीक हो गया तो ठीक रहना? देखिए, अब जो एक मांग थी गुजर शब्द की, वो मांग पूरी हो गई है और अनावश्यक के विवाद और हमारे नौजवान इन चक्करों में पड़े हैं, जाके जाके पुलिस प्रशासन से लड़े हैं, दूसरे समाज से लड़े हैं और समाज में एक
जो हम बहुत दिनों से जिस चीज़ के खिलाफ हम संघर्ष करते रहे कि हमारे नौजवान शिक्षा दीक्षा में आगे बढ़ें, इन लड़ाई झगड़ों से बचें, फिर हम उन्हें झोंकें तो ये हमारी कोई अकलबंदी नहीं होगी। मेरा सभी से ये निवेदन है अपने समाज के उन सभी महानुभावों से जो बाहर से भी आने वाले हैं, जब एक बिंदु समाप्त हो गया है तो अब हमें दूसरी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से विश्वविद्यालय की मांग करनी चाहिए, जिसकी मुझे संभावना है कि वो अवश्य पूरी होगी। अगर ये अव्यवस्था नहीं फैलती, विद्यासभा से ये कार्यक्रम ना छीना जाता, मंच पर अव्यवस्था नहीं होती, हमारे लोगों को जिनको सम्मान मिलना चाहिए था उनको ठीक से मंच पर सम्मान मिलता, तो निश्चित रूप से मुझे लग रहा था उसी दिन विश्वविद्यालय की घोषणा होती। तो अब अनावश्यक का विवाद हमें आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी वास्तव में ही एक देव पुरुष हैं, बहुत अच्छे संत पुरुष हैं, उनके यहाँ जाति पाति इसका कोई कॉलम नहीं है। अनावश्यक हम इसे चीज़ को तूल दे करके अपना समाज का ये और नुकसान कर लेंगे कि हम जो एक विश्वविद्यालय की बात चर्चा में है वो पूरी ना हो। तो और फिर भी दो पक्षों को, दो जातियों को लड़ाना कहाँ की अकलबंदी। असली सेनापति तो वो होता है कि जो युद्ध भी जीत ले और अपनी सेना का भी नुकसान ना करे। हमारी बात भी पूरी होगी और हमारा कोई नुकसान भी नहीं हुआ। अब हमें आगे बढ़ करके दूसरे किले की फतेह करनी चाहिए और विश्वविद्यालय अपने यहाँ पर स्थापित हो, ऐसा मुख्यमंत्री जी से हम प्रयास करें। चलिए, बहुत धन्यवाद राधाकृष्ण जी हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर गुर्जर विद्या सभा के अध्यक्ष का साफ तौर पर ये कहना है कि यदि ये कार्यक्रम सभा के अंतर्गत होता तो शायद यहाँ विश्वविद्यालय की भी घोषणा हो सकती थी और मंच की जो व्यवस्था थी वो नहीं होनी चाहिए थी। और अब जब सब कुछ ठीक कर दिया गया है तो आगे इस मामले को तूल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिलहाल इस स्टूडियो में बस इतना है। खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।